नमस्कार, मैं हूं नीरज जैन। लोकायत के इस साल के बजट विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उसका पहला भाग प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले भारत सरकार के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों के बारे में बात करें। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारत सरकार ये दावा कर रही थी कि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में है और मोदी सरकार के 6 सालों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर है वो उसके पहले की यूपीए सरकार से तो निश्चित तौर पर ही बहुत ज़्यादा था। लेकिन इन आंकड़ों की दिक्कत ये है कि ये जीडीपी के आंकड़ों में बार बार हेरा फेरी के परिणाम है। मोदी जब से सत्ता में आए उसके 1 साल बाद से ही उन्होंने लगातार जीडीपी के आंकड़ों में हेरा फेरी शुरू कर दी। यहाँ तक कि 2019 में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, वो तब तक वापस अमेरिका जा चुके थे इस्तीफा देकर। उन्होंने एक पेपर में कहा है कि भारत का जो विकास दर है शायद वो 2.5% से ओवर एस्टिमेट किया गया है। यानी उनका पेपर ये कहता है कि 2012 से 17 के जो 5 साल हैं उस दौरान भारत का ऑफिशियल विकास दर 6.9% था औसत, इन 5 सालों में वो शायद सिर्फ 4.5% है। ये अलग बात है कि अरविंद सुब्रमण्यम ने अपना ये लेख अमेरिका वापस जाने के बाद लिखा। जब तक वो भारत सरकार में थे तो शायद उनको इस हेरा फेरी से कोई दिक्कत नहीं थी। बुद्धिजीवी ऐसे ही होते। तो निष्कर्ष ये कि भारत का वाकई जीडीपी क्या है और भारत का जीडीपी विकास दर कितना है, ये इन तमाम मैनिपुलेशंस के चलते कहना मुश्किल है। इस साल जनवरी 2021 में सीएसओ के आंकड़े ये स्वीकारते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 4 सालों में अर्थव्यवस्था लगातार धीमी होती चली जा रही है। शायद अब भारत सरकार की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से धीमी होती चली जा रही है अब उसको मैनिपुलेट करके विकास दर बढ़ते दिखाना संभव नहीं है। तो अब अंत में सीएसओ मतलब भारत की केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के ऑफिशियल आंकड़े प्रस्तुत करती है देश के सामने, वो संस्था, उसके ये आंकड़े हैं जो उसने जनवरी 2021 में रिलीज़ किए हैं कि 2016-17 से 2019-20 इन 4 सालों में अर्थव्यवस्था 8.3% से धीमी होती होती 2019-20 में 4% पर रह गई है। इतना ही नहीं, सीएसओ के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2019-20 के चौथे तिमाही में अर्थव्यवस्था का विकास दर घट के सिर्फ 3.1% पर रह गया है। तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। हर वित्तीय वर्ष को 4 भागों में बांटा जाता है। अप्रैल से मार्च का वित्तीय वर्ष होता है, उसको हर 3 महीने में बांटा जाता है, उसको Q1, Q2, Q3, Q4 बोलते हैं। तो ये Q4 का आंकड़ा है जो कहता है कि विकास दर सिर्फ 3.1% पर रह गया है। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के पहले ही अर्थव्यवस्था बहुत धीमी होने लगी थी। पश्चिमी देशों का जो उनके आंकड़े देने का तरीका है उसमें तो ये भी माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था मंदी में पहुंच चुकी थी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट कोरोना पैंडेमिक के चलते नहीं, मोदी सरकार के पिछले 7 सालों की नीतियों का परिणाम है। पैंडेमिक ने सिर्फ उसको और गहरा कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान, ये स्लाइड देखिए, उसमें 2020-21 का Q1 और Q2 के आंकड़े दिए हैं। यानी लॉकडाउन के बाद का जो पहला तिमाही था अप्रैल से जून, उसमें भारत सरकार भी अब ये स्वीकारने को मजबूर है कि भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट -23.9% हो गया था। यानी इकोनॉमी उतना सिकुड़ गई थी और ये दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से शायद सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़न भारत में हुआ है। लेकिन यदि हम इस आंकड़े के पीछे भी थोड़ा और गहराई में देखें तो समझ में आएगा कि शायद ये जितना कॉन्ट्रैक्शन है असली कॉन्ट्रैक्शन इससे भी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 भाग हैं, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, खेती को छोड़कर, खेती के आंकड़े इनको हर साल मिल जाते हैं, लेकिन बाकी जो असंगठित क्षेत्र है
उसके आंकड़े भारत सरकार 5-6 सालों में एक बार सर्वे करके इकट्ठा करती है। बाकी बीच के सालों में असंगठित क्षेत्र के ही आंकड़ों को एक्स्ट्रापोलेट या एक्सटेंड कर दिया जाता है और उससे असंगठित क्षेत्र का विकास दर का एक अंदाज लगाकर पूरी अर्थव्यवस्था का अंदाज निकाला जाता है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना है। सामान्य परिस्थितियों में ये ठीक रहता है, लेकिन यदि कुछ नीति लेकिन देश यदि इस तरह से चले कि असंगठित क्षेत्र के विकास की दिशा और संगठित क्षेत्र के विकास की दिशा अलग अलग हो, तो फिर आप संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र के विकास दर का अंदाज नहीं लगा सकते। और 2016 के बाद से भारत में ठीक यही हुआ है। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद GST रोल आउट हुआ, और उसके बाद महामारी के दौरान जो लॉकडाउन किया गया है, इन तीनों ने असंगठित क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा असर डाला है संगठित क्षेत्र की तुलना में। लॉकडाउन में तो पूरा ही असंगठित क्षेत्र बंद था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ रेट है -23.9%, ये मुख्यतः संगठित क्षेत्र का विकास दर है, यानी उसमें आई सिकुड़न है। असंगठित क्षेत्र का विकास दर अर्थशास्त्रियों का अंदाज है कि उसका कॉन्ट्रैक्शन शायद पहली तिमाही में लगभग -70-80% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर यदि दोनों को इकट्ठा किया जाए, यहाँ पे ध्यान रहे कि असंगठित क्षेत्र यदि खेती को हटा दिया जाए, उसके आंकड़े जैसे हमने पहले कहा कि उपलब्ध हो जाते हैं, तो बाकी असंगठित क्षेत्र इकोनॉमी का लगभग 30% है और वो लगभग 40% लोगों को रोजगार देता है। तो यदि उसका विकास दर लगभग -70-80% मान लिया जाए और संगठित क्षेत्र का -23.9% मान लिया जाए, तो ओवरऑल इकोनॉमी का विकास दर शायद Q1 2020-21 में -45% के आसपास था। भारतीय अर्थव्यवस्था इतने गहरे संकट में थी कोरोना लॉकडाउन के चलते। कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम तो उठाए नहीं, जैसा कि हमने पिछले साल के अपने व्याख्यानों में बताया। सिर्फ एक ही काम किया, इकोनॉमी को लॉकडाउन कर दिया। उस लॉकडाउन ने इकोनॉमी को कितने गहरे संकट में पहुंचाया, वो इस आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है। -45% GDP का कॉन्ट्रैक्शन था। ऐसे में कम से कम बजट में तो इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहिए। वाकई सरकार ने ऐसा किया कि नहीं, ये हम अगली बार की चर्चा में देखेंगे। धन्यवाद।